हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित चैप्टर्स एंड उसके एमसीक्यू लेकर आ रही हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, इससे पहले भी मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड के CBSE सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके बुक सॉल्व क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर बच्चा वो सबसे पहले देखने के बाद ये NCO वर्कबुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके क्लियर होंगे। आज हम NCO ओलंपियाड वर्कबुक से पार्ट टू MS पेंट का लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मैच द वेरियस शेप टूल्स गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर नेम्स गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को गिवन नेम के अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। नंबर 1 रेक्टेंगल शेप है, ए का 3 हो गया, बी हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड हो जाते हैं तो बी का 1 हो गया 3, सी हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया ये राइट ट्रायंगल हो गया ये तो सी का 4 हो गया, एंड डी राउंडेड रेक्टेंगुलर कॉल आउट। नंबर डी शेप है, इसको हम बोलते हैं राउंडेड रेक्टेंगुलर कॉल आउट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। क्वेश्चन नंबर, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, डायरेक्शन दिया गया है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट से हमें क्वेश्चन 12 एंड 13 का जवाब देना है। एक्स एंड वाई, द बटन मार्क एज एक्स कैन बी यूज्ड फॉर, एक्स बटन है उसका हमें क्या यूज़ करते हैं या क्या यूज़ कर सकते हैं? सेविंग पेंट फाइल, पेंट फाइल को सेव करने के लिए, प्रिंटिंग द पिक्चर, पिक्चर को प्रिंटिंग करने के लिए, सी ओपनिंग पेंट फाइल, पेंट फाइल को ओपन करने के लिए, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, या ये सभी काम करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बटन मार्क एज एक्स इज नोन एज पेंट बटन, इसको हम पेंट बटन कहते हैं। इट इज यूज फॉर बेसिक ऑपरेशन सच एज सेविंग अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल, प्रिंटिंग द इमेज एक्सेट्रा। यह बेसिक ऑपरेशन इसके द्वारा किया जाता है, जैसे फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, फाइल में इमेज को प्रिंट करना एक्सेट्रा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया मार्क एज वाई इज कॉल्ड द, वाई को हम देखेंगे यह कौन सा ऑप्शन कहलाता है? ऑप्शन ए पेंट बटन, बी क्विक एक्सेस टूल बार, सी टाइटल बार एंड डी ड्राइंग एरिया। सो करेक्ट आंसर इज क्विक एक्सेस टूल बार, उस बटन को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन द सेट ऑफ कमांड सच एज सेव, अंडू, रीड्यू एक्सेट्रा। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ कमांड्स हम अपने हिसाब से क्विकली यूज़ करने के लिए डालकर रख सकते हैं, लाइक अ सेव, अंडू, रीड्यू एक्सेट्रा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द ऑपरेशन गिवन द कॉलम 1 विथ देयर टूल्स गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को उसके दिए गए गिवन टूल्स के अकॉर्डिंग मैच करना है। पहला हो गया टू ड्रॉ फ्री हैंड पिक्चर, फ्री हैंड पिक्चर्स जो है हम किससे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा हो जाता है फ्री हैंड ड्राइंग जो है हम पेंसिल से कर सकते हैं, तो ए का 3। नेक्स्ट हो गया टू इरेज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग को हम इरेज किससे कहते हैं? इरेजर से, तो बी का 4। फिर नेक्स्ट हो गया टू चेंज द मैग्नीफिकेशन फॉर द पार्ट ऑफ पिक्चर, पिक्चर को बड़ा या मैग्नीफाई करके हम किस ऑप्शन से देख सकते हैं? ऑप्शन 1 मैग्नीफाई ग्लास, तो सी का 1। एंड डी टू सेलेक्ट द इंटायर पिक्चर, इसके अंदर पिक्चर सेलेक्ट, पिक्चर को हम किस में इंटायर कर सकते हैं? तो ऑप्शन 2।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 15. आइडेंटिफाई द गिवन आइकॉन. इस आइकॉन को आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए कट, बी कॉपी, सी पेस्ट एंड डी फिल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेस्ट. इट इज यूज टू पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम द फाइल. इसका यूज फाइल से किसी भी कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 16. अचीवर सेक्शन 7 डायरेक्शन 16 एंड 17 के लिए दिया गया है. इसमें दो कलर बॉक्स हैं, कलर बॉक्स 1 एंड कलर बॉक्स 2. फॉलोइंग द गिवन स्टेप एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो. 1. सेट कलर 1 एज ग्रीन एंड सेट 2 कलर एज ऑरेंज. 2. ड्रॉ ए स्टार शेप इन ड्राइंग एरिया. ठीक है, ड्राइंग एरिया में हम स्टार शेप ड्रॉ करेंगे. 3. सेलेक्ट फिल विथ कलर टूल्स. फिर फिल विथ कलर टूल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड गो टू स्टार शेप. फिर स्टार शेप में वहाँ पर जाएंगे. क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है 16. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वुड यू फिल द स्टार शेप व्हेन यू लेफ्ट क्लिक द माउस. अब हम स्टार शेप पर जाने के बाद माउस के लेफ्ट की को हम क्लिक करेंगे तो स्टार शेप में कौन सा कलर हमारा फिल होगा. ऑप्शन ए ऑरेंज, बी ग्रीन, सी बोथ ऑरेंज एंड ग्रीन एंड डी नाइदर ऑरेंज और ग्रीन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन. व्हेन यू सेलेक्ट द फिल विथ कलर टूल्स एंड लेफ्ट क्लिक द माउस बटन ऑन द ड्रॉ शेप इन कैनवास द कलर दैट यू हैव सेट वन कलर वन वुड गेट फिल द इन द शेप. तो हमारा जब जैसे ही हम फिल विथ कलर टूल्स को सेलेक्ट करेंगे और माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे शेप में जो है कलर वन के कलर्स जो हैं, कलर वन प्लेट में जो कलर्स रहते हैं वो हमारे शेप में फिल होंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वुड गेट फिल द शेप व्हेन राइट माउस बटन इन क्लिक. अब उसी में से माउस को राइट क्लिक हम करेंगे तो वहाँ पे कौन सा कलर फिल होगा. ऑप्शन ए ऑरेंज, बी ग्रीन, सी बोथ ऑरेंज एंड ग्रीन एंड डी नाइदर ऑरेंज नॉर ग्रीन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑरेंज. व्हेन यू राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द ड्रॉन शेप इन कैनवास आफ्टर सेलेक्टिंग द फिल विथ कलर टूल द कलर डैट यू हैव सेट इन कलर टू वुड यू फिल द शेप. जब हम माउस को राइट क्लिक करेंगे और फिल विथ कलर टूल पर क्लिक करेंगे कलर बॉक्स 2 पर राइट क्लिक से तो हमारा वहाँ पर कलर जो है ऑरेंज, चूँकि कलर 2 में ऑरेंज कलर है सो हमारा वहाँ पर ऑरेंज कलर आएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑरेंज. क्वेश्चन नंबर 18. द गिवन टूल बिकम ग्रे या अनअवेलेबल व्हेन यू सेलेक्ट द टूल्स. यहाँ पर टूल्स दिया गया है जिससे हम ग्रे या जब हम उस टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा कलर सेलेक्ट होगा. ऑप्शन सी फिल कलर. साइज टूल यूज टू सेलेक्ट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड टूल्स. इट गेट एक्टिव व्हेन यू सेलेक्ट पेंसिल और इरेजर टूल्स. इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फिल विथ कलर टूल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 19. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. इसमें से इनकरेक्ट मैच देखेंगे. ऑप्शन ए टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगल पार्ट ऑफ द पिक्चर. ऑप्शन ए ये सेलेक्शंस का टूल दिया गया है. बी टू सेलेक्ट एनी और रेगुलरली से पार्ट ऑफ अ पिक्चर. सी टू सेलेक्ट द होल पिक्चर एंड डी टू डिलीट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू सेलेक्ट द होल पिक्चर. इसके द्वारा होल पिक्चर्स को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट
will increase the size and width of pencil tool as soon as transformation from image 1 to image 2. इमेज वन एंड इमेज टू दिया गया है, इनमें से कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा हम साइज या विड्थ पेंसिल टूल्स का कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन से ऑप्शन को यूज़ करके। ऑप्शन ए अल्ट प्लस प्लस की ऑन नंबर पैड, बी कंट्रोल प्लस प्लस की ऑन नंबर पैड, सी शिफ्ट प्लस प्लस की ऑन नंबर पैड एंड डी एस्केप प्लस प्लस की ऑन नंबर पैड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस प्लस की ऑन नम पैड। इससे हम पेंसिल्स के विड्थ को या साइज को बढ़ा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही प्लीज़ हमें एडवाइस कीजिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा चैप्टर्स रहेगा लेटेस्ट डेवलपमेंट इट्स द फील्ड ऑफ आईटी। थैंक यू।